we are on a Saturday ride, and I am riding today with Abhinav, Yudhvir and Srinivas. So, आज हम लोगों ने ना अपनी बाइक को स्वैप कर करके चलाया है. I have gotten to ride Abhinav's modded Himalayan 450. Yes. इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं. So, let's first discuss what I felt after riding his Himalayan, because it is completely different from the stock Himalayan. And then we'll kind of take recommendations and short reviews from Yudhvir and Srinivas as well, whether they would want to recommend the Himalayan after riding, because they have owned it. They have bought the Himalayan, and Yudhvir has... Yudhvir basically bought the Himalayan in January and Srinivas bought it in Feb. So we'll take recommendations from them as well. Maybe this will help you make a decision if you are still on the fence about buying this Himalayan 450. अच्छा तेरे को मेरी बाइक में क्या 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 अच्छा लगा? मेरे को अच्छा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल के उसमें ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट गियर पे जाने की जरूरत ही नहीं है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व. सेकेंड गियर सिंगल डिजिट स्पीड्स एंड इट्स नॉट लाइक दैट रील दैट आई मेड ऑफ सिक्स गियर पे जीरो से स्टार्ट करने वाला बट फॉर प्रैक्टिकल यूज. सेकेंड गियर आई वॉज एट 8 or 7 km/h इन दैट वॉज स्लश वाला पार्ट जो रोड के साइड पे था एंड देर वॉज नो सिम्टम दैट द बाइक विल स्टॉल. सो दैट वॉज गुड. और लो एंड टॉर्क तो इम्प्रूव हो गया डेफिनेटली एंड इट इज टू डू विद द स्प्रॉकेट प्लस द फ्यूल एक्स प्रो. सो अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन द बाइक. उसमें फ्री फ्लो एयर फिल्टर है. हाँ ठीक है. तो द बाइक इज ब्रीदिंग बेटर. उसमें डी गैट पाइप है. सो अगेन फ्यूलिंग उसकी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है. फिर उसमें फ्यूल एक्स प्रो प्लस है जिसको मैं रिचेस्ट मैप पे चलाता हूँ. okay. 10 मैप्स. तो तू कह रहा था कि स्टॉक बाइक यू यूजुअली रन एट 8. तो वो फ्यूल एक्स पावर ट्रॉनिक बेसिकली दीज गाइस रेस डायनामिक्स दे विल टेल यू दैट अगर आपको आपकी बाइक स्टॉक है और आपको सिर्फ फ्यूल एक्स प्रो प्लस चलाना है तो अगर आप उसको 8 सेटिंग पे चलाओगे 10 इज रिचेस्ट 1 इज लीनेस्ट 3 इज वेयर द स्टॉक बाइक इज स्टॉक बाइक की फ्यूलिंग इज 8 पे चलाओ बहुत बढ़िया चलती है. मैं उससे भी ज़्यादा रिच करके चलाता हूँ क्योंकि मेरी बाइक में फ्री फ्लो एयर फिल्टर है मेरी बाइक में डी कैट पाइप है. ओके एंड तू 97 पेट्रोल भी डाला था. और मैंने 97 फ्यूल भी डाला है स्पीड 97 ऑक्टेन. ओके तो मेरी बाइक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है. फिर मेरी बाइक में गेयरिंग जो है वो मैंने शॉर्ट की हुई है. सो आई एम रनिंग अ 49 टीथ एल्यूमिनियम स्प्रॉकेट. ओके बट इट्स एन एल्यूमिनियम स्प्रॉकेट इट्स वेरी लाइट इट्स ओनली 300 grams. ओके स्टॉक है वो 610 ग्राम्स का होता है. तो इट्स नॉट लाइक यूर सेविंग अ लॉट ऑफ वेट और कोई अनस्प्रंग मास कुछ पता तो चलता नहीं है बट ऑफ कोर्स इट्स हेल्पिंग इन अ वे बिकॉज छोटा छोटा वेट मेरी बाइक से हर चीज उतरी हुई है. सो इट्स क्वाइट लाइट. तो ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड यू नो इट मेक्स फॉर अ वेरी पेपी नाइस राइड. एंड द थ्रॉटल इज आल्सो सो थ्रॉटल रिस्पांस इज वेरी गुड. व्हाई द थ्रॉटल रिस्पांस इज दिस गुड ऑन माय बाइक. ये है ओह थैंक यू ओह राइट इन फ्रंट ऑफ अस. ओके दिस इज माइन. Hmm. And what is that? Could you put it here? Ice cap. This is for me. Iced cappuccino. I don't know. With ice cream. ये मेरी. ये मेरी. ये मेरी यार ice cream वाली. हट. वो ice cream वाली नहीं है. ये cold coffee. ये ice cappuccino. इसमें भी वो डालो. Can you ice cream? Can you put ice cream in this also? Top. Yeah. Wait. Now you have space to put ice cream. One ice cream. Okay. So. Oh wow, our Hawaiian pizza is here. हाँ उनको बुला लेते हैं. हाँ तो थ्रॉटल का तो कह रहा था. तो क्या है अब बाइक में ना फ्यूलिंग इतनी रिच है. ये बाइक क्या है इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना इनिशियल बहुत ज़्यादा लिनियर है. द टॉर्क इवन लो डाउन टॉर्क इज मोर दैन द 411 बट द फ्लाई व्हील इज लाइटर. ओके तो वो फील नहीं होता. परसेप्शन नहीं आती. तो वो ऐसा लगता नहीं है तुम्हें कि वो बाइक एकदम से बढ़ रही है. इवन दो ऑन नंबर्स द नंबर्स सजेस्ट दैट द टॉर्क इज हायर. इसमें क्या है बिकॉज ऑफ द लाइट फ्लाई व्हील इसमें आपको परसेप्शन नहीं आता कि बाइक लो एंड से पुल कर रही है जबकि कर रही है क्योंकि स्टॉल तो करती नहीं है बाइक. हाँ, हाँ. है ना. देन द अदर थिंग इज इसकी जो फ्यूलिंग है इसकी फ्यूलिंग बहुत लीन है. अब जो BS6 वगैरह जो भी बाइक्स होती है वैसी ही बहुत फैक्ट्री से लीन आती है. ठीक है. तो अब जब इंजन को फ्यूल ही नहीं मिल रहा नीचे तो वो स्लगिश ही लगेगी. हाँ, अब हमने exactly. क्या किया हमने तो फ्यूलिंग ही बढ़ा दी ना. लो फ्यूल एक्सप्लो करता गया है वो बॉटम एंड में मतलब थ्रॉटल के जब ज़्यादा खुला नहीं हुआ. हाँ. तो फ्यूल फेंके जा रहा है इंजन. हाँ. के अंदर. अब इंजन के अंदर फ्यूल जाएगा तो ऑब्वियसली वो पावर बनाएगा. हाँ. तो दैट इज़ वाई द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज सो क्रिस्प एंड स्नैपी बिकॉज बॉटम एंड में तुम
तेल ही इंजन में पेट्रोल ही पेट्रोल जाए जा साथ में एयर फिल्टर वगैरह भी पूरा तूने वैसे कर दिया तो एयर फिल्टर भी वो है इकोनॉमिक्स वाइज आते रहने डिसएडवांटेजेस जो तूने उसका अभी सारे चेंजेस किए हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंडपॉइंट और फॉर समवन हु वांट्स टू टूर नो आई जस्ट टूर्ड नेपाल राइट मैं तो अभी नेपाल से हो गया 2500 किलोमीटर एनीथिंग दैट यू फेल्ट वाज मेबी नॉट राइट फॉर टूरिंग बट जस्ट गुड फॉर ऑफरोडिंग नहीं बिकॉज़ यू हैव मेड इट विद दैट बेंट ऑफ माइंड आई वाज राइडिंग विद द रैली सीट The rally seat is not really meant for very, very, very long distances. हाँ, so जैसे final day पे मैं 700 किलोमीटर चला के आया. हाँ, 700 किलोमीटर in 11 hours and I was back home. तो उसमें मुझे after a point of while like 7-8 घंटे के बाद, because I have this very bad habit of riding continuously on the bike. I only stop for fuel. Okay. And maybe I'll stop once for food. जब बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी. So बस वही थोड़ी सी दिक्कत हुई वेयर यू नो आई फेल्ट दैट अच्छा दैट्स अ सीट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट बेसिकली या बट नथिंग एल्स नथिंग अबाउट द यू नो द बाइक द वे द बाइक वाज बिहेविंग नथिंग मतलब टायर इतना बढ़िया ग्रिप कर रहा था बाद यहां से जब मैं गया फर्स्ट टू डेज दिल्ली में बारामूला से बारिश शुरू हुई थी और नेपाल में जब तक आई डिड नॉट रीच अ प्लेस कॉल्ड बुटवल तब तक बारिश ही हो रही थी मतलब पहले 1000 किलोमीटर तो मैं बारिश में चला के गया ओनली थिंग इज दैट माय बाइक इज स्लाइटली बजियर देन योर बाइक बिकॉज़ तुम लोगों की बाइक ना एकदम स्टॉक है तो स्मूथ रहती है तुम्हारी बाइक मेरी बाइक उतनी स्मूथ नहीं है बट इट डजंट मीन इट्स अनकंफर्टेबल इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट एंजॉयिंग इट मे बी आई एम एंजॉयिंग इट मोर नो आई वाज एंजॉयिंग इट मोर देन द स्टॉक बाइक बिकॉज इट फेल्ट इट हैड अ मच बेटर कैरेक्टर व्हाइल राइडिंग तो मतलब आई हैड नो कंप्लेंट्स यार मतलब मैं तो बहुत मजे करके आया मैं तूने कितनी चला ली हिमालयन अभी अप्रोक्सीमेटली 5000 होने वाली है नहीं टोटल अभी तक तूने हिमालयन कितनी चला लिया अक्रॉस द टू bikes that you got from us 7000 ke aas pass ye 4.5 chalayi hai around pehle wali 1.5 chalayi hai ye around 48 ho gayi hai ha aur wo 2000 chala di thi pehle wali ha to 7000 kilometer to chalayi thi maine wo lamba trip tere nepal mein kaafi ho gaya nepal mein 2500 kilometer kheench diya okay so the suspension no doubt I felt yaar matlab it's kind of addressing 99% of use cases for most people so here is the thing ये जो हिमालयन का सस्पेंशन है ना इट इज कैलिब्रेटेड इन सच अ वे दैट रोड पे तो तुम्हें कभी कंप्लेन इशू कर ही नहीं सकते इसके लिए मतलब कर ही नहीं सकते ग्रेवल रोड पे भी कभी कंप्लेन नहीं करोगे इसके सस्पेंशन पे तुम थोड़ा ओवर सॉफ्ट है जब हां प्रॉपर हार्ड ऑफ कोर ऑफरोडिंग कर रहे हो व्हाट हैपेंस इज जब मैं इसको पूरा खींच के चला रहा होता हूं एंड नाउ आई कैन राइड स्लाइटली फास्ट आई वुडंट से आई एम अ वेरी गुड राइडर आई थिंक बट ठीक-ठीक चला लेता हूं मैं अब तो जब हम लोग 90 वगैरह क्रॉस कर लेते हैं ट्रेल पे और ये रट्स में से कूदते हुए जा रही होती है तब जाके फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सा लगता है कि सॉफ्ट है मतलब आई वुड प्रेफर अ स्लाइटली स्टिफर सेटअप एंड दैट इज व्हाई आई से इसमें अगर एडजस्टेबल सस्पेंशन होता तो मे बी बेटर होता बट ऐसे कितने लोग हैं जो इस बाइक को वैसे नहीं उस लिमिट पे ले जाने वाले मेंट फॉर दैट ये तो मतलब उस काम के लिए बनी ही नहीं है यार वो बंदा कोई चीज बता रहा है तो उसकी कॉफी छीन रहा है साइड से हां तो मैं कह रहा हूं जस्ट हैव यार फक यार हैव मैं कह रहा हूं आफ्टर 7000 किलोमीटर मैंने तो इतनी चलाई मैंने अराउंड 3200 चलाई है टोटल तो अक्रॉस चलाता हूं हां तू रोज चला रहा है ऑफिस जाता हूं मैं सो विद दैट कन्वर्सेशन इन माइंड अब आफ्टर ऑल दीस किलोमीटर व्हाट आर द नेगेटिव्स दैट यू सी इन द बाइक नेगेटिव्स हां जस्ट नेगेटिव्स बिकॉज़ यार मैं देख स्पेकुलेशन तो बहुत है चीजों की जैसे हमारा वो बैलेंसिंग वाला इशू है जो राइट में पुल करती है भाई हाथ छोड़ के थोड़ी चलाता है पर मेरा भी उस पे वही है कि हम कितनी बार ऐसे करते हैं मतलब जब हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं चलाता कौन है इट इज टू से नॉट अ बाइक व्हिच हैज क्रूज कंट्रोल तो हाथ तो छोड़ना ही नहीं है एग्जैक्ट नहीं क्रूज कंट्रोल पे भी हाथ रखते हैं हाथ छोड़ के चलाने के लिए नहीं बना होता क्रूज कंट्रोल ठीक है मतलब पहली बार बाइक अगर राइट में खींचती है मत छोड़ के चलाओ ना हाथ छोड़ के कौन चलाता है भाई इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग उसको इग्नोर करा जा सकता है दो डिग्री खिंच रही है फक दैट ना इट डजंट मैटर अपार्ट फ्रॉम दैट एनी दैट इज नॉट एन इशू आई कॉल इट अ नॉन इशू आई डोंट कॉल इट एन इशू इस बाइक में मेरे को जो इशू लगा इसकी जो स्क्रीन है इसकी स्क्रीन में दो इशू है पहला इशू इसकी स्क्रीन जब आप जीपीएस ऑन करते हो तो थोड़ी सी लैगी है मतलब आई विश इट वाज स्लाइटली फास्टर तो इसका होता है टर्न आ जाता है आप टर्न लेते हो उसके बाद ये स्क्रीन मुड़नी शुरू होती है तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह कर रहे हो तो फिर भी इट मेक सेंस बट जहाँ पे अगर आप सिटी के अंदर अगर ये टर्न वन में कॉन्सेंट गली वली में घुस गए वहाँ पर ये बहुत लैग करती है स्क्रीन अच्छा देन इसकी स्क्रीन में
Basically, the navigation does not catch up to the actual speed of the bike. It actual does, location but of the it's bike. Just slightly slower than a Ford. You like, take the turn physically, but it will not take the turn on the screen. Okay. Wo, fraction of a second ke baad mudegi. Okay. Okay. Then, chalo, that is one thing. That is one. Haan. That's a software issue. Software issue. Haan. Then the other software issue is, ye bike na wo nahi karti. ABS. Nahin, so, इसमें जो GPS when you switch to the GPS mode ये arrival time नहीं दिखाती okay so it'll just show the way हाँ it shows the way it shows traffic and everything सब कुछ दिखाती है लेकिन ये नहीं दिखाती कि तुम वहाँ अपनी destination पे कितने बजे पहुँचोगे which I think हम सबको ना आदत हो गई है कितने बजे पहुँचेंगे हाँ then the other thing is ये जब गिरती है and देखो adventure bike तो गिरेगी trail पे चलाओगे गिरेगी इसका handlebar मैं दो बार मोड़ चुका हूँ like slight bend very slight bend so I wish the handlebar was slightly sturdier हाँ थोड़ी heavier quality का handlebar होता तो बढ़िया रहता मतलब honestly और कोई मेरे को issues में कुछ नहीं लगा हाँ बाकी तो सिर्फ वो है जैसे अब लोग बोलते हैं nut bolt ढीले हो जाते हैं मेरे तो नहीं हुए भाई हाँ मेरे के भी नहीं हुए ऐसा कुछ issue हुआ नहीं है and पीछे का जो rotor है लोग कहते हैं कि पीछे की ब्रेक मारो तो लॉक हो जाती है मैंने तो मारी नहीं तो मुझे पता ही नहीं और ये युद्धवीर पीछे से जो कह रहे हैं कि एबीएस बड़ी जल्दी किक इन कर जाता है तो एबीएस की दिक्कत क्या है अभी हम ना ऑन रोड राइडिंग की बात कर रहे हैं हम ऑफ रोड राइडिंग की बात ही नहीं कर रहे तो ऑन रोड राइडिंग में कुछ नहीं फर्क पड़ता इसका एबीएस परफेक्ट है नहीं मेरे को तो नहीं फील हुआ वैसे इतना सा भी कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी इनफैक्ट आई हैव नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द ब्रेक्स और हाईवे पे मैं तो अब धीरे चलाता हूँ मैं हाईवे पे 80-90 पे चलाता हूँ मैक्सिमम तो माइलेज भी बहुत बढ़िया देती है विंड ब्लास्ट भी कुछ 80-90 पे कुछ पता नहीं चलता मतलब मैं तो 700 किलोमीटर अभी जो 11 घंटे में जो 80-90 में पता नहीं लगता 100 के बाद मैं चलाता हूँ नहीं चलाता पर जनरली जो टूरिंग करेगा बंदा 100 पे रहना चाहेगा कई लोग आई मीन मतलब कुछ पीपल वांट टू राइड एट दैट स्पीड सो प्रोबब्ली अ पर्सन हु राइड्स एट 100 एंड अबव 100 दैट पर्सन वुड बी अ बेटर पर्सन टू कमेंट ऑन दैट मैं चलाता ही नहीं उससे तेज तो मैं क्या बोलूं उसके ऊपर सो दैट आई फेल्ट इज एन इशू विद द विंडस्क्रीन एंड द विंड नॉइज दैट कम्स इन इट्स टोटली अनअवॉइडेबल ओके सो वो तो हट नहीं पा रहा मतलब इवन विद द टोरिंग स्क्रीन मुझे तो लगता है विंड स्क्रीन नहीं है यार वो रैली स्क्रीन है यार जो भी है सो दैट एक्सेसरी हाँ आपको दे दूंगा मैं आप मेरी वजह से निकाल के लगा लो उससे विंड ब्लास्ट नहीं इधर यू आर ए शॉर्ट राइडर जहाँ आपको मतलब उससे विंड ब्लास्ट से बच जाओ बट आई हैवंट फाउंड अ सॉल्यूशन उस पे अब एडाप्टर मैंने ट्राई कर रहा हूँ मंगवाने का वो यार वो दैट इज फ्लिम्सी देखते हैं कैसा लगता है चला के सो बट मैकेनिकली मुझे ऐसा इशू नहीं लगा बट स्टिल आई फील देर इज सम सॉर्ट ऑफ हेट जो हल्का फुल्का जो चल रहा है बाइक के लिए विच इज अराउंड द रफनेस इन द इंजन कैरेक्टर एंड वाइब्रेशंस बट आई हैव कम टू टर्म्स कि इतना तो आ रही है इंजन में होगा ही देखो इट्स अ ट्रेड ऑफ कि क्या चाहिए आपको व्हाट आई डोंट देखो सिंपल सी बात है भाई साइलेंट मोड पे डाल दे फोन या साइलेंट मोड पे डालो ना इस फोन को किसका ही है मेरा ही है तोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं फोन बज रहा है ना अच्छा सो व्यवसाय हाँ सो लोग कहते हैं बाइक में वाइब्रेशन इट इज अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल यार इट इन द नेचर ऑफ अ सिंगल सिलेंडर मोटर इज दैट इट विल वाइब्रेट स्लाइटली वाइबी है वाइब्रेशन यार मेरे भाई मैं तो ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर आई हैव स्पेंट विद द बाइक आई डोंट थिंक इट वाइब्रेट्स आई विल नॉट Who is ordering all of this? Because most of what has come, I have no idea. ये मैंने नहीं order किया यार. हाँ. So anyways, let's conclude it. हाँ. So in conclusion, मेरे को vibration नहीं लगती. हाँ. It is a little bit of buzziness. That you have to get used to. Obviously. हो जाता है यार मतलब मेरे को भी. It is not. मतलब जो लोग बोलते हैं कि you know Honda NX 500 doesn't vibrate. It is a twin. हाँ. It costs 7-8 lakh rupees on road. तुम मतलब ले लो जाके ले लो 8 lakh रुपए तुम्हारे पास जाके Honda खरीद लो हिमालयन की बेइज्जती करके क्या मिलेगा मतलब सिंगल सिलेंडर तो करेगी ना थोड़ा सा बज करेगी क्या फर्क पड़ता है Is it bothering you? That is the point. It is not bothering me. So I have no problems when it comes to that. Cool. और 30 की माइलेज देती है बाइक हाँ 30 की तो माइलेज दे रही है नेपाल में भराया था फ्यूल 450 किलोमीटर घर चला के आ गया मैं 1 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी फिर मैंने जब फ्यूल उसमें भराया तो 15 लीटर फ्यूल आया यानी 2 लीटर फ्यूल तो उसके अंदर फिर भी था और मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदे ने उसको एकदम ड्राई जब तक वो टैंक नहीं हो गया तब चलाया था तो 50 किलोमीटर और चल सकती थी तो एट अ क्रंच मतलब
450 किलोमीटर भी ये बाइक खींच देगी। So, 450 तो मैंने देखा है, इजीली हो गया था, तो तू 470 कह रहा है, मे बी लास्ट ड्रॉप तक ले जाओ तो 470 तक चली जाएगी। यू शुडंट बिकॉज़ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द फ्यूल पंप, बट 450 तो आराम से चल रही है यार। कूल 450 तो मैं टाइगर सोच भी नहीं सकता मैं। टाइगर मतलब टाइगर आई थिंक 380 390 के बाद भाई, अगर मैं शहर में चलाऊं ना अपनी टाइगर 1200 180-200 किलोमीटर में वो कहती है फ्यूल डालो। वो तेरी वो बजाज वाली है ना 1200 बजाज ट्रायम्फ 1200 बजाज ट्रायम्फ 1200 मत सुनो, प्यार करो ना रॉयल एनफील्ड को थोड़ा। आप प्यार क्यों नहीं कर पा रहे आप रॉयल एनफील्ड को? सो दिस इज युधवीर हु बॉट द हिमालयन हाउ मेनी मंथ्स बैक? जनवरी, वन मंथ जनवरी। ये पकड़ लो ना इसे, माइक मैंने आपको बना के दिया यार। नहीं ये नीचे क्या लगा? हाँ उसके नीचे स्पॉन्सरशिप है। अब आपने इतना लंबा टाइम नहीं लगाना, आप बस मेरे को ये बता दो कि देखो ये विदिन टू सेंटेंसेस व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद द हिमालयन सो फार? टू सेंटेंसेस, नॉट मच एंड रिकमेंडेशन सोच नहीं सकते। बाय फार यू नो इट्स अ इट हैज इंप्रेस्ड मी। इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल टू गेट you know to fall in love with the motorcycle and then eventually you fall in love. That's and it. Any glaring issues like nothing. Like any relationships you have to make adjustments. He's summarizing it very well. Tere se hindi mein puchna, that's because you asked acha, in two sentences. Aapko koi bahut hi buri nahi kya bolenge se issue ko, haan kharabi kharabi koi kharabiyan lagi bike mein nahi, pareshani hui hai kuch abhi tak, dikkat aayi hai koi? मुझे थोड़ा फिट एंड फिनिश की इशू रहती है, सो जो वो जो पेडल्स जो ऐसे दे आर लोलिंग अप एंड डाउन। व्हाट इज दैट वर्ड लोलिंग? लोलिंग इज नो वर्ड बाय द वे, आई मीन आई लाइक लोलिंग इज अ फीलिंग, इट्स अ आई मीन इट्स बाउंसी, इट्स लाइक लूल लूल, हां whatever you may call it yaar, I mean you get a lulu feeling looking at it moving up and down without what any doing? What does it do with this yaar, aise moving up and down? No, I'll show you yaar, I mean it gives a feeling of like a very cheap component. So pedal wala part hai, haan, matlab baaki foot peg, otherwise aap kafi khush hai. Yeah, yeah, look at this, look at this loose foot peg, look at this. You want this to be tighter? Hey, look at, yeah, yeah, no, this is like, I mean look at it. Now, look at this one. This is solid. So, the same one with a better spring tension can be managed. I mean, it's okay. ठीक है, नहीं और कुछ नहीं है ना? Absolutely. But I said I wanted to comment about the ABS, the front ABS. You tell us. नहीं नहीं, not on the road. I have a habit of every time moving off the road. When there is a traffic, you generally tend to go off the road on the side, and I have experience when I am on the side of the road, if somebody comes in front of me and if I have to brake on the front, bloody thing doesn't work because the ABS kicks in and it's a very scary feeling. तो मतलब साथ क्यों नहीं हो रहा? ये यार ये ना बजरी पे चलाते हैं यार, ये रोड से no यार बजरी, what do you mean by बजरी यार? Gravel, gravel, come on. First of all it is gravel, and second वो बजरी नहीं होती, it is मिट्टी। आप नहीं तो मेरे को लोग कहते हैं आप बाहर रहते हैं क्या? मट्टी, मट्टी। आर यू अ फॉरेनर? आर यू? अरे मिट्टी, मिट्टी। वन गाय सेड यू आर एंटी नेशनल, गो टू पाकिस्तान। हां तो कमेंट आते हैं मेरे, हिंदी बोलिए आप। नहीं मुझे कोई कमेंट्स नहीं आते ना, मैं कोई लॉगिन करता हूं। एनीवे तो एबीएस किक्स इन, तो व्हाट आई हैव डन इज एज आई सेड यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग द रियर ब्रेक नाउ। माय रियर ब्रेक हैज नाउ bedded in so nicely that you can actually use the rear brake now. Okay. And for us the rear brake has always been a vestigial organ. Zarurat hi nahi hai uski. Some people are used to vestigial organs all the time, you know. So phir in the bike also it is there, it is not used. Yahan rakh do. Is feather ka kya karna hai? Ye aap isse wo caress karte rakhe. Wo laga na isse. वाइड एंगल वो उधर आ रहा है ना, देखो वीडियो थोड़ा सा उधर करो ना। अरे वाइड एंगल लगा ना इसके ऊपर, देख वाइड एंगल लगा दो, ये फेदर इसकी दाढ़ी में हिलाएगा तू थोड़ा करो ऊपर। बट अभी ये समराइज हो चुका है, अब ज्यादा मत खींचो इस वीडियो को, अगर आपके पास और कोई नेगेटिव पॉइंट है। नहीं नहीं यार, आई लव द मोटरसाइकिल यार, एनी डे सेम। हां सो आई विल डिस्कसिंग नेगेटिव पॉइंट्स ओनली। या या अब
ये मैं इनसे बस समरी पूछ रहा था बिकॉज ही हैज जस्ट रिसेंटली बॉट इट इन जनवरी राइट ऑलमोस्ट 2.5 months 3 months हो गए ना नहीं ही इज द मोस्ट रीसेंट हां यू आर द मोस्ट रीसेंट वन यू टेल अस फेब्रुअरी में रिटर्न हाउ मच 1000 odd किलोमीटर्स 1300 1400 आई कंप्लीटेड 1400 टुडे यू आर नॉट कमिंग इन द फ्रेम हाय सो आई टर्न इट टुवर्ड्स मी हां तू इधर आ जा थोड़ा हां यार कोई नहीं आई वांट टू बी इन द फ्रेम यार मेरी कॉफी नहीं आई यार मेरा पिज्जा तो सब खा गए मुझे भी दे दो स्लाइस तो तू अब बता दे तेरे को 1400 किलोमीटर में कोई इशू लगा या व्हाट्स योर यू नो क्विक टू लाइन रिव्यू ऑन द हिमालयन इसको 3 बार फ्यूल डलाना पड़ा पता बार-बार खत्म हो जाता मैंने नहीं करा फ्यूल तो मेरा तो चल रहा है अच्छे से अरे तो स्लाइस मुझे भी पकड़ा दो सो फिनिशिंग में ही है बिकॉज़ एज यू गाइस नो दैट आई क्लीन माय बाइक मोर देन यूजुअल सो इट कैन एंड अप स्क्रैचिंग योर हैंड्स इन वेरियस ऑड प्लेसेस व्हिच यू डिडंट नो So it does vibrate above 80, which you said, and you have to get used to that buzz. I agree on that part completely. But does it bother you? No, it doesn't. So then why is it a cause? It will leave your hands a little buzzing. No. Huh, it would. I just did what? 2.5 kilometers coming back from Nepal. No aches, no pains, nothing. Get used to it pehle. Haan, to I am. I've just bought the bike in like a month and a half ago. I'm still getting used to it, plus the seat. What about the seat? The seat, I can't sit on that for more than 40 minutes or 30 minutes. So you need a touring seat? Yes, I will. Definitely. What I feel is you should give the seat a little bit more time. Give it time. Okay. 60 kilometers is not enough to judge a seat. Yeah. In a long distance. It will also become lull after a time. Bike ko matlab yahan se blow me. So Shimla chala ke leke ja, Jaipur chala ke ja. If you would have said ki mereko 300 kilometers ya 400 kilometers ke baad lag raha hai to thoda sa samajh mein aata hai 60 mein to chala bhi ho jayega. So but agar mereko wo pehle se hi feel ho raha hai that I thought that's a con that I would issue. That is ek matlab seat wala ho gaya con. Plus you constantly I find myself slipping towards the front of it because I sit a little bit behind. बट मैकेनिकली कोई ऐसा इशू की बात नहीं हुई मतलब मेरा तो वाइब्रेशंस पे ये टेक है बट मेरा तो वाइब्रेशन पे ये टेक है यार देख वाइब्रेशन की तो आदत हो जाती है अगर हम हिमालयन की वाइब्रेशन के बारे में इतना कंप्लेन कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो 350 और 500 बुलेट चलाने वाले तो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे वाइब्रेशन तो क्या मेरे को तो हीटिंग का भी आई एम वेरी यूज्ड टू इट मेरे को तो पता नहीं लगता हीट हो रही कि नहीं हो रही अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन कि इट गेट्स हीट इट्स नथिंग यार नथिंग एब्सोल्युटली नथिंग इफ यू रिमेंबर आई हैड अ फैट बॉय So that heats up like anything. अगर मैं अपने टाइगर को मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है हीटिंग की तो उसे पहले पैट बॉब खरीदनी चाहिए उसमें एक सेकंड होल्ड करना ये म्यूजिक थोड़ा सा बंद हो सकता है अभी हो सकता है कैन यू रिड्यूस द वॉल्यूम प्लीज म्यूजिक वॉल्यूम हां इसने बिल्कुल यार छपरी स्टाइल में ना यार किसने वीडियो का सत्यानाश कर दिया है म्यूजिक बंद करवा दिया अगर किसी को हीटिंग इशू है तो ही हैज टू फर्स्ट बाय फैट बॉब अच्छा So that is a path that he needs to take. Yeah. Buy a fat bob and then downgrade, come back to a Himalayan. In order to enjoy the benefits of relativity. Get used to the heat. Okay. So अपना heating की मैं stories ना तो. There's one more thing. The bike doesn't have a tail light. हाँ. किसने बोला tail light नहीं है? Off chance of an accident, you break one indicator. Okay, I have dropped the bike at least 4 times. One of them was a high-speed trail crash. But my touch is not there. After falling, I don't think it's touch. Hota. My bike has also fallen twice. His bike has fallen twice. It has not broke. It doesn't break. It doesn't even come in contact. But you heard some heat stories. Yes, he has disturbed me. Yes, so heat. About I'll take it back. Whenever he is on heat. Yes. Tiger 1200, if you're stuck in traffic. Yes. जो वो हीट जनरेट करती है उसको कहते हैं हीट आई हैव रिडन योर बाय द टाइम यू कम बैक होम थाइज में ना यहाँ पे छाले पड़ चुके होते हैं दोनों साइड सो अनदर हैंड यस दैट इज व्हाट छालास आर कॉल्ड इन इंग्लिश टाइगर 1200 यस आल्सो यस एंड देन स्केल डाउन टू हिमालयन टाइगर 1200 एंड देन अ फैट बॉब देन गेट एन हिमालयन सो ऑल माय बिग बाइक्स यू हैव टू कमेंट ऑन द हीट सो ऑल माय बिग बाइक्स हैव बीन ट्रायम्फ ओके सो आई हैव हैड
my street triple, it heats a lot. Hmm. That is heat that bothers. Okay. The street twin, it heats a lot. That is heat that bothers. Hmm. The Tiger 1200, it heats a lot. That is the heat that bothers. This heat doesn't bother. This heat doesn't bother. ये तो मतलब हल्का सा एक warm पता चलती है कि अच्छा engine चल रहा है. मतलब लोहा है यार, लो components are grinding against each other. Obviously गर्म तो होगा ना थोड़ा सा. इधर आ जाए तो वीडियो में पूरा आ जाएगा. ऐसा है क्या? हाँ पूरा आ जाएगा. मैंने तो बोल दिया सब कुछ, लेकिन अब हाँ बट अब ठीक है. अब तो वीडियो को खींचे जा रहे हैं और मतलब DJI Osmo Pocket 3 की पूरी बैटरी कैपेसिटी की तेरी बैटरी पूरी डेड हो जाए. इसके अंदर उसका पावर बैंक वाला भी है तो लॉट ऑफ स्टफ. I was talking, I just bought a point which was tube tires. Oh yes yes. So I would like have you heard anything from Royal Enfield about किसका है ये, किस कमीने का फोन है ये maternity ward जा रहा है the host of the video. Can you mute this? हाँ, so मैं ये कह रहा हूँ कि tube tire cross spoke wheels. Okay. Have you heard anything about the timelines for those? No, I have not. There but I would like to. People will not discuss that. I don't know. But I wouldn't know. How would I know? So I would like to chime in a little bit about you know, having tube tires and tubeless tires. I was of the opinion that a tube tire is not a problem at all. It is absolutely not a problem. However, I did suffer a puncture in Nepal. अच्छा, you didn't tell me about that. बात नहीं हुई हमारी उस दिन. बता तो रहा हूँ अभी. हाँ, पर पहले तू हर दिन बता रहा था ना कैसा रहा नेपाल. I suffered a puncture in Nepal. But I did not even come to know that I've suffered a puncture. Okay. I'm assuming this was in Nepal because when I came back, I just felt that, you know, the tire pressure, the front tire pressure is a little low. Okay. And when I checked it, it was 15 psi. Now, had I had a flat tire and I was touring solo. But now, how did you know it happened in Nepal? I'm assuming it happened in Nepal. Because I was doing only off-road there most of the time. That's a convenient assumption actually. Keel jo nikli hai, made in Nepal. There was no keel or anything. This morning I got the puncture fixed. Now, thankfully, I'm running. Yes. Now I'm running tubeless spoke rims, so not a problem for me. Video in English mein ja chuka hai. Oh sorry. Angrej. That's okay. Koi haan, theek hai. Maine keel bola tha. Haan, keel. तो मेरा जो टायर था मुझे लगता है नेपाल में पंक्चर हुआ. नाउ द फैक्ट दैट मेरे पास ट्यूबलेस स्पोक रिम्स थे, मेरे को तो पता भी नहीं चला कि पंक्चर हो रखी है मेरी बाइक. हाँ, क्योंकि बहुत धीरे धीरे, बहुत माइनर पंक्चर था, धीरे धीरे हवा निकल रही थी. अगर ट्यूब होती यू वुड हैव हैड सम लॉस ऑफ, हाँ मतलब देन थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो सकता था. देन आई वुड हैव हैड टू फिगर आउट कि कैसे मैं इसको बदल सकता हूँ, ट्यूब को कैसे मैं पंक्चर को पैच कर सकता हूँ या ट्यूब ही चेंज कर सकता हूँ, व्हील खोलना पड़ता है. लॉट ऑफ पीपल हु डोंट इवन नो हाउ टू होल्ड अ स्पैनर, तो उन लोग के लिए तो मतलब हाँ. सो अगर आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे जिसमें आपको टायर प्रेशर काफ़ी ड्रॉप करना पड़ता है, आप नॉबीज चला रहे हो, तो देन ट्यूबलेस मेक सेंस, तब ट्यूबलेस चला लो. नहीं, इफ इट इज अवेलेबल एज एन ऑप्शन आई वुड सर्टेनली गो फॉर इट. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, डेफिनेटली फिनिश्ड. जिस टेरेन पे मैं वो बाइक चला रहा था, 99% यूजर्स उस टेरेन पे बाइक नहीं चलाएंगे. कौन चला रहा था? मैं नेपाल में जहाँ जहाँ मैं उस बाइक को लेके गया, 99% लोग नहीं चलाएंगे ना. और वहाँ भी तो ट्यूब वाली बाइक चल ही रही थी. सो इट इज़ नॉट कि ट्यूबलेस बाइक जब तक नहीं होगी बाइक लेनी ही नहीं चाहिए, ये सब बकवास बातें हैं. दैट वन ऑफ चांस कि एक बार कहीं पंक्चर हो गया, येस यू विल बी इनकन्वीनियंस दैट डे, बट चल जाता है. इतनी कोई, इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम बट इन माई ओपिनियन द थिंग इज. बट येस, गिवन द ऑप्शन ट्यूबलेस ले लो, इट मेक्स मोर सेंस. बट राइट नाउ द बिगर प्रॉब्लम इज के lot of people who are holding on to buying the Himalayan. That's stupid. That's not the bakwas. Ke tubeless tire ki timeline to bata do kab aayegi. Stop yourself from having such a fun bike in hopes ki something better would come along. I'm just look at Interceptor. They released the alloy wheels after like 5 years. Yeah. Humne nahi chalai kya 5 6 saal. Ha. Humne nahi chalai. That's Sandeep, that's the owner. Hi Sandeep. Hello. Just me. Welcome. Nice to meet you. Abhinav. Hi Sandy. Yudhvir. Sandeep. Nice to meet you. So let us just complete this video. I'm sorry. So my only gripe was ki agar thodi timeline bata deti na Royal Enfield to logo ko at least pata lagta. I know that there is that issue with that supplier thing and everything was certification, right? Dekho, but validation. Yes. What I understand is jo tubeless rim hota hai na, ye jo cross spoke wala hota hai, iska patent duniya mein sirf ek company ke paas hai. Wo jo Acron जो है ये चाइना में बनता है व्हील, ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्ट होके आता है. नाउ इंडिया में
ये पिज्जा किसी ने खाना है कि मैं ही खा जाऊं? तू ही खा ले यार। हां वैसे भी तूने इसका पता नहीं क्या बना। सॉरी यार, ओनली यू कैन। रोटी बन गई है। एनीवेज तो हां, सो एक्रोंट का एक वो हाई स्पेक वाला आता है ट्यूबलेस क्रॉस स्पोक व्हील, और एक थोड़ा सा लो स्पेक वाला बना रहे हैं वो, है ना? ऐसे ही कुछ। सो जो एक्रोंट का जो व्हील आता है ये क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस, आप देखोगे उसमें अफ्रीका ट्विन में भी यही आता है, टाइगर का भी यही आता है, यही कंपनी बनाती है, बीएमडब्ल्यू को भी यही सप्लाई करती है, क्योंकि ये पेटेंट है इनके पास ये क्रॉस स्पोक ऐसा बनाने का, तो पूरी दुनिया को यही सप्लाई करती है। इसका मतलब ये व्हील इंडिया में तो बन नहीं सकता। सो देयर आर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मेड इन इंडिया वाला हाँ, मतलब आई एम जस्ट समराइजिंग इट इन अ वे दैट इजी रहे कॉन्वर्सेशन के लिए। तो बट दिस इज योर ओन हाइपोथेसिस और दिस इज देखो एक्रोंट को बनाता है ये तो मेरे को मालूम है। अच्छा, यू पुटिंग दी स्टोरी टुगेदर। सो आई एम पुटिंग दी स्टोरी, आई एम ट्राइंग टू पुट 2 and 2 टुगेदर। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन कहती है कि व्हील सब कुछ यहाँ पे बनाओ। अब जो चीज़ यहाँ बनी नहीं सकती वो लिटिगेशन में फंसी हुई है कि चलो ये जब क्लियर होगा उसके बाद वो करेंगे। तो अब जब रॉयल एनफील्ड का ही उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, सरकार उसको जब क्लियर करके देगी देन वो भी कर देंगे ना उसके बाद लॉन्च। सो बेसिकली इफ दे हैड द ऑप्शन व्हाई वुड दे नॉट लॉन्च इट? Huh. Yeah. Especially when they have people waiting, lining up for it. It should not have been said so that we have an option, because eventually anybody who's even thinking of buying it. But that also helps in building up the hype and selling the motorcycle. From what I understand, they applied for clearance for these to be sold way back in February last year. So it got delayed. उसके बाद bike तो देखो जुलाई अगस्त में launch होनी थी, उसके बाद वो भी delay होती रही, बाइक जाकर नवंबर में लॉन्च हुई। गवर्नमेंट तक तो क्लियरेंस आ जानी चाहिए थी ना। अगर सरकार नहीं क्लियर कर रही है, अगर somebody who's bothered about 30-40,000 rupees would surely be thinking twice, because once you buy the motorcycle and then again you have to buy the wheel, it will not be 30-40,000. Let me please explain it. So जो इसका सीन है मैं समझा रहा हूं, अगर ये वीडियो 1.5 घंटे का हो गया ना वीडियो, तब वो तो वेस्ट हो जाएगा। इट विल नॉट बी 30-40,000, लेट मी प्लीज एक्सप्लेन इट। सो जो इसका सीन है मैं समझा रहा हूं, अगर ये वीडियो 1.5 घंटे का हो गया ना वीडियो, कार्ड लेके नहीं होगा, पीपल विल लिसन टू दिस कन्वर्सेशन एंड मेबी यू कोई नहीं सुन रहा, हम खुद ही नहीं देख सकते, हमसे नहीं देखे जाते। आज बना देंगे हम वीडियो, इस चैनल पे सबसे बड़ा वीडियो बनने वाला है, 1.5 घंटे का वीडियो। मैं डालूंगा, हम ये नेटफ्लिक्स के लिए एपिसोडिक सीरीज बना रहे हैं, जो हम एक ही एपिसोड में रैप कर देंगे। हां, तो कुछ बता रहे थे मैं आपको, द हिमालयन डिबेट, देखो प्राइसिंग ऑफ द क्रॉस स्पोक व्हील्स, मैं आपको प्राइसिंग समझाता हूं जब ये बाइक, अरे मैं समझा रहा हूँ ना, सुनो। नहीं, अगेन इट इज योर ओन हाइपोथेसिस। नो, यस ऑफ कोर्स, या सो योर ओन व्यूज, यस। क्या हो रहा है? जब ये बाइक यूके में लॉन्च हुई, ठीक है, म्यूजिक फिर हो गया तेज, लेकिन हम तो अलॉय व्हील्स की बात कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ ना पूरा का पूरा, यार समझ लो यार, ठीक है। जब ये बाइक यूके में लॉन्च हुई, इट्स द बैकग्राउंड स्कोरिंग यार, कम ऑन, इट विल बी नाइस। सो यार, कैन वी जस्ट पॉज एंड चेक, ये ऑडियो आ भी रहा है हमारा? ठीक से नहीं आ रहा, पता लगे हम इतनी कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं बोल लूँ एक बार, प्लीज सुन लो मेरी बात। जब ये बाइक यूके में लॉन्च हुई, जब ये बाइक की यूके प्राइसिंग अनाउंस हुई थी, तो मैंने नोटिस किया था जो डिफरेंस है बिटवीन क्रॉस स्पोक व्हील्स वाला वेरिएंट एंड नॉर्मल वाला वेरिएंट, वो था 25,000 रुपए। ठीक है, वो तो पता है ना। एंड दिस इज यूके प्राइसिंग विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द इंडियन प्राइसिंग। डोंट टेल मी कि 12,000 में, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसका जो व्हील है 25 से ज्यादा का नहीं होगा। जो एक्सेल का जो व्हील है आगे पीछे का, वो तकरीबन 11-12,000 रुपए का व्हील है। ठीक है, सिर्फ जो रिम रिम होता है, तो आई एम अज्यूमिंग जो सिर्फ क्रॉस स्पोक रिम होंगे ना इंडिया में जब लॉन्च होंगे, तो स्टैंड अलोन यूनिट, अभी तो उसमें से आप 25,000 में से इसका प्राइस भी माइनस करके बेच रहे हो, ठीक है, तो वहां अगर 25,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएंट के बीच में प्राइस होगा वो 15-20,000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। दिस इज माय एजुकेटेड गेस। हाउएवर, इफ यू वांट टू बाय अ कंप्लीट यूनिट, मतलब मरमर के, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट यूनिट, मतलब अगर तुम नए व्हील खरीदने जा रहे हो क्रॉस स्पोक वाले, ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट टू द कंपनी, बिकॉज़ दे विल स्क्रैप, दे विल नॉट हैव वन एंड दे विल रिप्लेस इट। ओके, तो अगर तुम्हारे पास वो है रेगुलर व्हील्स वाली बाइक है, तुम कल को वो व्हील्स लॉन्च हो गए, तुम जाके खरीदते हो व्हील, वो व्हील की कॉस्ट 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अभी तुमने 20 बोला था, अभी मैंने 25,000 रुपए डिफरेंस बोला, मैंने 25,000 बोला कि वेरिएंट्स में डिफरेंस है। अच्छा, तो वेरिएंट्स में डिफरेंस एज इन जो स्टॉक क्रॉस स्पोक व्हील वाली आएगी और जो अभी जो ट्यूबलेस वाली आ रही है वो 25,000, यूके में 25,000 रुपए का डिफरेंस है। तो मैं कह रहा हूं अगर हायर साइड पे भी देखूं तो 30,000 रुपए के ऊपर नहीं जाना चाहिए उसका कॉस्ट। तो ये तो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी 30-40,000। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू गिविंग यू अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वी आर कमिंग इनटू कमिंग एट अ फिगर।
You want to break down? No, I'm following you completely. What do you think of the way to speed solution? बहुत बढ़िया चीज है लेकिन चलाओ नॉर्मल वाला रिम वे टू स्पीड से सील कर लो बहुत बढ़िया लेकिन 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 व्हाट इज वे टू स्पीड अरे वो सीलेंट वो जस्ट लाइक एन आउटेक्स किट बट मेड इन इंडिया हां बेसिकली इट्स अ 10,000 तक का है ना शायद 10-11,000 मेरे को मालूम नहीं करंट प्राइसिंग मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं मैंने मेरी जो इंटरसेप्टर है उसमें वे टू स्पीड मैंने लगाया था बट वो ऑन रोड चलती है ठीक है तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई बढ़िया चल रहा है 5 साल हो गए बहुत ही बढ़िया चल रहा है लेकिन I cannot vouch for it off-road क्योंकि मैंने चला ही नहीं तो मैं कैसे बोलूँ off-road जहाँ पे गड्ढे पे पड़ रही है वहाँ पे वो मूव हो जाए हट जाए खराब हो जाए कुछ हो जाए मुझे नहीं पता ये सिर्फ मैं सोच रहा हूँ हो सकता है बट जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी आई विल नॉट कॉमेंट ऑन इट बट जिसने भी लगाया हुआ है दे हैव टू टेक दिस फैक्टर इन टू कंसिडरेशन कि जब उन्होंने व्हील्स वापस अलाइन कराए या ट्यून कराया सो इट कैन टेक दैट ऑब्वियसली तुम उसको जब वो करोगे क्योंकि हुआ मेरे करोगे तो स्पोक पर टाइट करोगे तो वो मूव करेगा तो कर सकता है खराब कर सकता है जस्ट कीप दैट इन माइंड अब जब तुमने चलानी रोड पे है तो देन तुम्हें स्पोक इतना टाइट तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक बार जो है 5 साल से मैंने तो किए नहीं अपनी इंटरसेप्टर पे बढ़िया चल रहा है हो गया व्हील्स का हां एनीथिंग एल्स ऑन यू टेल मी सर यू वांट टू नो एनीथिंग आई विल ब्रेक इट डाउन नो नो आई हैव हर्ड इनफ ऑफ योर ब्रेकडाउंस सो आई विल आई वांट टू से वन मोर थिंग या टेल मी यू आस्क्ड मी इस बाइक में क्या कमी है हाँ हिंदी में बोल दियो हाँ मेरे को लगता है इस बाइक में ना चार चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है पहली बात इसमें एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर होना चाहिए क्योंकि इसके जो क्लच और ब्रेक लीवर है वो उंगलियों से बहुत दूर है और हार्ड भी है आई हैव स्टार्टेड यूजिंग 3 fingers नाउ इन ट्रैफिक मैं तो वन फिंगर या टू फिंगर हार्ड के लिए कह रहे हो ना आप क्योंकि वो हार्ड है रीच इज आल्सो द रीच इज अ प्रॉब्लम बड़ा हाथ चाहिए थोड़ा सा उसके हां मेरे तो हाथ बड़े ही हैं बट तेरे को भी प्रॉब्लम है एंड ड्यू टू दैट रीच रीचिंग फॉर द इंडिकेटर एंड पासिंग लाइट इज अ बिट ऑफ एन इशू वो मैं फैक्टर नहीं मानता मुझे बिल्कुल नहीं लगता वो मतलब सबका अपना अपना है मैं तो अभी अपना बता रहा हूं तो पहली चीज वो है फिर मेरे को लगता है इस बाइक में बिकॉज ये इतनी ज़्यादा केपेबल है एंड इंडिया में जो राइडिंग है स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर आप टूरिंग बाइक लेते हो एडवेंचर बाइक लेते हो आप कोशिश करते हो आप पहाड़ों में जाओ यहाँ से मनाली जाने में ना आदमी पागल हो जाता है अगर इसमें क्रूज कंट्रोल हो एक बेसिक रूडिमेंट्री क्रूज कंट्रोल हो एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं हमारी मतलब 3.5 लाख की बाइक में हम क्रूज कंट्रोल चाहिए जो आज से पहले सिर्फ 15 लाख की बाइक में आता है मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई मैं कह रहा हूँ बिकॉज दिस बाइक इज सो केपेबल मुझे लगता है कि ये क्रूज कंट्रोल अगर इसमें होता तो बहुत ही बढ़िया होता बिकॉज ये आराम से 100-110 पे पूरा टाइम हाईवे पे बैठेगी एंड उसमें ऐसे रिस्क लेके बैठे रहने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम जब टाइगर चलाते हैं हम क्या करते हैं क्रूज कंट्रोल पे डाल के छोड़ देते हैं उसके बाद बस हार्ट जेंटली रखते हैं और चलती रहती है इट्स नॉट क्या फर्क है इट्स नॉट यू आर नॉट ऑटोमेटिंग योर राइडिंग राइट तो बस ऐसे ही होल्ड करके चल रहे हो देन इसमें अगर क्रूज कंट्रोल मिल जाए तो मजा आ जाएगा मुझे लगता है कि इस बाइक इट इज सो केपेबल दैट इट डिमांड्स इट देन बिकॉज मैं चला रहा हूँ ट्यूबलेस रिम्स अब ऑफ रोड भी करता हूँ कभी कभी उसमें हो जाता है पंक्चर वो पंक्चर पता ही नहीं चलता जब तक टायर 15 PSI पे नहीं आ जाता ओके है ना अगर इस बाइक में कंपनी टीपीएमएस दे दे वाओ कमाल मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ कहता हूँ 5,000 रुपये एक्स्ट्रा की एक्सेसरी बना दो 5,000 में आ जाएगा यार 2,000-2,000 रुपये में अमेज़न पे TPMS मिलता है यार वो कंपनी तो कंपनी में आएगी तो सस्ता ही पड़ेगा ना तो पर वो इंटीग्रेट भी तो करेगी ना अपने सिस्टम में भाई बल्क में खरीदेगी ना कंपनीज ऑपरेट ऑन अ बल्क मॉडल उसने थोड़ी 4 खरीद के बेच देने बेसिकली इट विल रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर अपडेट इन दैट यूनिट एज वेल जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट डिस्प्ले में दिखे टायर प्रेशर सॉफ्टवेयर पे पैसा नहीं खर्च होता इतना नहीं खर्च होता पैसा सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में पैसा खर्च होता है उसको इंटीग्रेट ही तो करना है वो एक टाइम की डेवलपमेंट कॉस्ट है एंड इट इज़ नॉट मच हर कोई देता है हर बाइक में आता है TPMS बड़ी बाइक में अगर इसमें TPMS एज एन एक्सेसरी मिल जाए मुझे लगता है बहुत काम आएगी क्योंकि मेरे को तभी पता चला पंक्चर जब मैं वापस दिल्ली आ गया और मुझे लगा यार मेरा फ्रंट थोड़ा सा वो चल रहा हैवी हो गया क्योंकि 15 PSI उसमें हवा बची थी तो देर वॉज नो नीड ना कि मैं 30 PSI से थर्ड वन लास्ट पॉइंट तीन ही है आई थिंक तीन ही है ना हो गया तो यार वो क्रूज कंट्रोल वाले लॉजिक के हिसाब से आई मीन आई फील के ऐसे तो फिर जो भी बाइक 100 होल्ड कर रही है इजीली सब में क्रूज कंट्रोल होना चाहिए नहीं नहीं कल तो रहेगा KTM 390 एडवेंचर में क्रूज कंट्रोल होना चाहिए देख KTM की तो हम बात नहीं कर रहे पहली बार नहीं मतलब इन जनरल योर क्राइटेरिया ऑफ क्रूज कंट्रोल वाज दैट एनी बाइक दैट कैन होल्ड 100 एंड इज मेंट फॉर टूरिंग इट शुड इफ इट इज इक्विप्ड विद क्रूज कंट्रोल तो मजा आ जाएगा हां ऑफ कोर्स आई वुड एनी डे पिक कितने का आता है क्रूज कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल अगर प्रॉपर वाला लगाया जाए एनी आईडिया कितने का होता होगा मेरे को लगता है मुश्किल मतलब महंगा इन्वेस्टमेंट होता होगा नहीं
So अगर हम ट्रैक्शन का इफ अ बाइक इज ऑलरेडी हैविंग राइड बाय वायर हिंदी प्लीज हां अगर बाइक में राइड बाय वायर पहले से ही है हां तो कॉस्टिंग वुड बी वे डिफरेंट देन अ वायर्ड तो अदरवाइज लग ही नहीं पाता ना हां इट इज अ यू नीड एन इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल ही चाहिए उसके लिए तो जैसे ट्रायंफ वाले लगाते हैं तो कितने का लगाते थे 50,000-60,000 लगता था क्रूज कंट्रोल लगाने का मेरे को पता नहीं हमारी क्योंकि मतलब यू कैन वो जैसे बेसिक वाली जो आती है वो बोनेबल वगैरह शायद जो जिसमें राइड बाय वायर है ना सबसे एक्स सी होती थी कौन सी होती सबसे बेसिक वाली स्क्रैम्बलर एक्ससी नहीं नहीं टाइगर टाइगर 800 एक्ससी पहले लगवा सकते थे एक मॉडल क्रूज कंट्रोल किट आता था एक्स लगाता था 60,000-70,000 का था एफएम सो देखो वो ट्रायंफ की प्राइसिंग तो खैर अलग चीज है ना वो रॉयल एनफील्ड कभी ट्रांसलेट नहीं करेगी मेरा पॉइंट ये है अगर आप यू मेंशन केटीएम मैं केटीएम में आई विल हैप्पीली सैक्रिफाइस द ट्रैक्शन कंट्रोल एनी डे फॉर क्रूज कंट्रोल ओके ट्रैक्शन कंट्रोल मत दो क्रूज कंट्रोल डाल दो I will give you an example. Again? हाँ हाँ हर चीज़ everything should be substantiated. वो हिंदी कह रहा हूँ मैं बोर अब ये वीडियो में मतलब मैं किसको इसको देखेगा कौन एडिट करने के लिए मैं तू ही देखेगा और कौन साले चुप हो जा रुक जा ये सुन टॉपिक खत्म हो गया मेरे हिसाब से अब मेरे ख्याल से खत्म है आप लोग भी देख कैंसिल कर दो कैसेट खत्म हो गई है मेरी अनसब्सक्राइब टू 23 अनसब्सक्राइब यार ये बंदा बहुत बोल रहा है आज देखो सिंपल सी बात है मैंने बचपन में कैन वी जस्ट समराइज इट आई एम समराइजिंग इट व्हाट आर यू समराइजिंग व्हाट इज द टॉपिक दैट यू आर समराइजिंग द न्यू राइडर क्या चाहते हो मैं न्यू राइडर की बात कर रहा हूं अब मोटरसाइकिल सर सुनो मैंने 2003 के आसपास यामाहा R15 चलाई थी ठीक है अपने मामा की उसके बाद मैंने 2016 में बाइक खरीदी पहली बार आई बॉट अ ट्रायम्फ स्ट्रीट 666 No traction control, only ABS. अगर मैं 100 BHP की बाइक पे चलानी शुरू कर सकता हूँ विदाउट क्रैशिंग आज तक अच्छे से तो आई थिंक कोई भी 40 BHP की बाइक पे स्टार्ट करके सीख सकता है सिंपल सी बात है यू जस्ट डोंट बी एन एसहोल ऑन द बाइक लर्न टू कंट्रोल द थ्रॉटल लर्न योर बेसिक्स पहले बाइक चलानी सीखो उसके बाद उसको भगाने की कोशिश करो अदरवाइज तो 20 BHP की बाइक भी डेंजरस हो सकती है सिंपल सी बात है ठीक है Anything else that you would like to add? I'm gonna have my coffee now. Ice cream. खत्म हो गया। ये video हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा। खत्म हो चुका है। But I'm telling मैं जैसे वो कल कह रहा था ना। Upload this as is. No, that is good. But मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसे अभी फिलहाल हम हिमालयन को recommend कर रहे हैं ना सब लोग। मैं तो कर रहा हूँ। Full on recommendation. एक घंटा पहले ही बोल देते हम, है ना? और क्या चीज़ November में बोल दिया था। November में बोल दिया था without bike आए हमने तो bike बिना आए बोल दिया था, right? हमारे पास तो अभी आई है ना bike. हमने करी थी ना यार वेट करना पड़ा हमें बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो जुलाई अगस्त में लोग लेके जाएंगे ना और उस पर अलग अलग टाइप के अलग अलग गंदे गंदे इश्यूज निकालेंगे उसके बाद मजा आएगा सुनने में यार गंदे इश्यूज मैंने तो अभी वीडियो बना दिया 15 मिनट लंबे जिसमें नहीं अभी हमने इश्यूज दिखे हैं बट जैसे वो जो टूटती फूटती है ना जब एमेच्योर लोगों के हाथ में जाती है जिनको चलानी नहीं आती और जब क्लच प्लेट आधे लोग जो क्लच प्लेट जला देंगे हम लोग चलो फिर भी थोड़ी बहुत आती तो है चलानी हमें पता है कि अपनी बाइक कैसे बचानी है कई लोग बिल्कुल साड़ देते हैं क्लच प्लेटों को धुएं निकल जाते हैं कल परसों मैंने किसी का देखा था वीडियो यार जिसकी क्लच प्लेट सड़ गई थी और बाइक ही नहीं बढ़ रही थी आगे हिमालयन 450 पता नहीं किसी का देखा था सो दैट इज गोइंग टू हैपन कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस बट वी आर क्लोजिंग द वीडियो नाउ मे बी द क्लच केबल इज नॉट एडजस्टेड प्रॉपर्ली इट कुड बी अबाउट अ लॉट ऑफ रीजंस मे बी द पर्सन वाज यूजिंग हाफ क्लच अ लॉट बहुत सारी चीजें हो सकती है ऑफ कोर्स तभी तो चलेगा इट कुड बी फॉल्ट चलेगा नहीं तो आग थोड़ी लगा दी अंदर कुड बी फॉल्टी वी डोंट नो दैट वी डोंट नो एनीथिंग सो टू से दैट यू नो कोई अपना क्लच चला देगा 9% ऑफ द टाइम्स इफ अ क्लच इज बर्न इट इज users input yeah aur hum log to clutch kitna expulse ke clutch hum trail pe seedha ek hi din ke andar phook ke aa jate the jala ke aa jate the humne aaj tak nahi jalaya hamare saath jo log hain unke jale nahi mera bhi jala hua hai so aisa hai hum logon ne sare issues ke bare mein discuss kar liye ab video ko band kar dete hain yes and whatever we have shared is based on our personal experiences yeah, with the motorcycle this is our own opinion itself yeah, yes. we are not nahi main to factual baat karta hu factual to kar raha hai humne to apna personal opinion share kiya hai ha exactly ha and it's kind of a follow up conversation on the hypothesis driven conversation Aisa that we had hai na acha ek baat bata tu frame mein beech mein kyun baith gaya hum logo aise side mein karke kyunki tu nahi aa pa raha tha I just wanted to get you here otherwise only your helmet peak was coming not helmet helmet peak cap peak was coming ADV log aa gayi Anyways, I'm just closing the video. Yaar. Bas yeah. Ban karo isse. Please, yaar, ban yeah. kar do, yaar. Ban kar rahe hain. Fuck this video.
गलती हो गई इतना लंबा वीडियो बना के. बाय. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. फक दैट. वाओ.